अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है रमज़ान का डे 2। मैं आ गई हूँ आपके लिए ब्लॉग लेके, थोड़ा सा लेट आई हूँ, आई एम सॉरी। सहरी में मैं उठी थी बट मैंने वीडियो नहीं बनाई। और क्या कहते हैं, दालमियाल की, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि तालियाल की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं बहुत थकी थकी सोई, फिर थकी थकी उठी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया। तो अभी हुआ है जोहर का टाइम, नमाज़ पढ़ ली है मैंने और मैं आ गई थी दानी को दवा ववा दे के किचन में। तो मैंने थोड़ा बहुत काम करके रख दिया है। आज बन रहा है इफ्तारी में एज यूजुअल प्याज के अंडे के और आलू के पकौड़े। कल अंडे का पकौड़े नहीं बने थे। और चिकन की मैक्रोनी बनाऊंगी मैं, और गुलगुले हैं, मटर चना है। तो चलिए तैयारी में आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं पकौड़ी कैसे बनाती हूँ। चलिए। और हाँ, मैंने एग बॉयलर लिया है, मैं आपको उसका अच्छा सा फीडबैक देती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपको भी एक अच्छा सा एग बॉयलर चाहिए तो आप अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन बेसिक का ले सकते हैं। और हाँ, कोई कोलैबोरेशन या कुछ हो नहीं है, मैं अपना मुझे पसंद आया है तो मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ। तो मैं जा रही थी एग बॉयल करने, मैंने सोचा आपको रिव्यू दे दूँ। तो मैंने ये अमेज़ॉन बेसिक का एग बॉयलर मंगाया है, ये ऐसे बॉक्स में आया था। तो मैं इसमें बॉयल कर चुकी हूँ पहले भी, तो मैंने आपको बताऊँ कैसा है। काफ़ी अच्छा रहा, मेरा तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। इसके साथ मुझे ये इनकी जैसे इंस्ट्रक्शन मेन्यू मिलता है ना, तो इसमें ये देखिए इनका प्रॉपर मतलब कितनी, अगर आपको सॉफ्ट बॉयल चाहिए तो आप कितने एग में कितना पानी डालें, तो मैं मेजर करके ही डालती हूँ, तो बहुत अच्छे से बनता है। और जब जैसे ही जैसे मैंने अगर दो अंडों के लिए 27 ml डाला है, जब वो बॉयल जाते हैं तो वो यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से ये इसकी लाइट बंद हो जाती है। बट हाँ, जब मैंने सॉफ्ट एग किया था ना, मीडियम बॉयल किया था, तो मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें और पानी डालना पड़ा। तो ये देखिए, ये मैंने 5 अंडे लिए हैं और इसमें 63 ml था, और इसका ये ऐसा जार मिला है। और ये देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी धुंधला था, तो मैंने निशान बनाया ताकि मुझे अंदाज़ा रहे। तो अभी मैंने इसमें 50 पहले पूरे 50 ml है तो ये डाला था, और थोड़ा सा और यहाँ से नाप के पानी डाल दिया है। अब 5 अंडे रखे, तो अंडे की पकौड़ी बना रही हूँ इफ्तार में तब के लिए। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें पानी यहाँ से डाल दिया है, ये ट्रे हट भी जाती है, तो पानी डाल के अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ये कवर। यहाँ पे 2 होल हैं छोटे छोटे, जिससे इनका इसकी जो स्टीम है वो निकल जाती है। हम लगाएंगे इसको, प्लग इन करेंगे ये, और ये देखिए ये स्टार्ट हो गया काफ़ी जल्दी जल्दी। देखिएगा थोड़ी देरी में भाप निकलनी शुरू हो जाती है, अंदर स्टीम बन जाती है इसके। देखिए इसकी स्टीम अंदर बनना शुरू हो गई है इसके अंदर, और जैसे ये बन के रेडी हो जाएगा इसका स्विच ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट ये है, जैसे कुकर वुकर में हम उबालते हैं तो अंडे चिटक जाते हैं, और अगर ज़रा सा भी होता है तो बहुत गंदगी हो जाती है, जिसमें कोई गंदगी नहीं होती है, बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लीन हो जाता है इसका इसकी ट्रे। अगर आप पानी डाल के हल्का सा बॉयल करिए, उसके बाद उसको अच्छे से कपड़े से क्लीन करिए, तो वो खूब साफ भी हो जाती है। सो ये हमारे जो एग्स है वो बन के रेडी हो गए, ये देखिए। तो हाँ, इसका जो ये नीचे वाली प्लेट है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है जल गई है, बट जब आप इसको अंडे हटा के उस पर आप थोड़ा सा पानी डाल के एक बार प्लग ऑन करेंगे तो वो बॉयल होगा, ओके वो बॉयल हो जाएगा। जब आप पानी डालेंगे तो उसको आप अच्छे से, फिर वो निकल भी जाता है। तो बाकी सब तो सब ठीक है। ये देखिए अंडे हमारे बॉयल होके बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो गए। और इसका हाँ, मुझे ये पड़ा था 349 समथिंग रुपये, 350 रुपये का। बाकी भी बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, बट इसका ये है ना कि ये रिव्यू मैंने सबके देखे हैं, मुझे इसका रिव्यू भी अच्छा लगा और मैंने यूज़ करके देखा है वो भी अच्छा है। तो ये मेरे जो मटर थे ये बीक गए हैं, अभी ये बनाने बाकी हैं। और ये गुलगुले का बैटर भाभी बना के गई थी, अभी भाई मार्केट गई हैं तो अभी वो आके बनाएंगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसमें प्याज, और अभी छीला नहीं है, इसे प्याज और आलू रखा है पकौड़े के लिए। अंडे भी बॉयल हो गए हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने देखी ये मेरी प्याज की पकौड़ी बनके रेडी हो रही थी, और दूसरा राउंड जो प्याज की पकौड़ी का था वो चल रहा था, और हम लोग की बातें भी चल रही थी। अच्छा, तारीख टाइम बहुत हौच पौच रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। और फिर सेकेंड मैं डालती हूँ पहले प्याज की, उसके बाद बनाती हूँ आलू की वाली पकौड़ी। उसको पतला पतला काट लेती हूँ, फिर उसमें बेसन डालती हूँ, नमक डालती हूँ, लाल मिर्चें, और मैं हल्दी डालती हूँ थोड़ी सी फॉर द कलर और टेस्ट के लिए, और फिर ज़रा सा उसमें पानी डालती हूँ ताकि वो अच्छे से, मतलब बहुत पतला बैटर नहीं होता है और बहुत मोटा बैटर भी नहीं होता है।
और ये देखिए ये कुछ इस तरह होती है। और फिर मैंने इसको प्यासी पकौड़ी निकाल ले रही है, अब मैं ये डाल दूंगी। और जब आप पकौड़े डालें तो गैस थोड़ी सी धीमी कर लें। देखिए मैम कितनी डिटेल में आपको इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ। और हंसी तो मेरी देखिएगा, मैं बिल्कुल पागल हो गई थी हंसते हंसते। इस व्लॉग में बहुत मज़ा आया था। तो फ्रेंड्स अंडे की जो है ना वो पकौड़ी बन रही है, और वो बहुत फुट 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 होती है। और उसके साथ भाभी उधर बना रही है मैक्रोनी। तो मैक्रोनी में कुछ नहीं किया है, जो कल का हम लोगों ने चिकन का पकौड़ा और चिकन का वो सब बनाया था, उसकी स्टफिंग बची थी तो वो डाल देंगे। और एक तरफ ये आलू के पकौड़े बन रहे हैं, ये देखिए गुलगुले, और ये प्याज और आलू की पकौड़ी रखी है, अंडे के पकौड़े बन रहे हैं सॉरी। और हाँ ये चिकन के समोसे और चिकन, ये चिकन नगेट्स है ना, ये थोड़े ब्राउन नगेट्स हैं, ये डार्क ब्राउन नगेट्स हैं। क्या बोलना चाहेंगी भाभी आप इस पे? हमारी की वजह से, हाँ वजह से इतना पीछे कुर्सी पे बैठ के आदेश किए हुए था कि वो थोड़े से जल गए। और कुकर में अम्मी के फेवरेट आलू के कचालू जो कल भूल गए थे हम लोग, वो बन रहे हैं। इसकी सीटी से अंडा खाने अंडा पूरी है। अंडे की पकौड़ी की प्रॉब्लम ये है, ये बीच में से फट फट ऐसे फूटती है, इस वजह से बहुत। अगर मेरी शाइस्ता पी है हमारी, वो अगर वो बना लें तो वो हेलमेट पहन के बनाती हैं ताकि वो जल ना जाए कहीं। शाइस्ता कह रही है, और इसके बिलाल आए हैं। व्हाट इज दिस? मटर्स, द मटर्स बन के रेडी हो गए, बह गया था वो। ये देखिए हमारे भाभी ने तो कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम के अंदर टमाटो केचप रखा हुआ है। सब चिकन की पकौड़ी रेडी हो गई और वो फूट फूट बहुत हो रही है। भाभी के मुंह पे भी फूट गई है पकौड़ी, अब हम लोग उसको निकाल लेंगे। भाभी टिश्यू पेपर मिला, मैं जला दूंगी क्या? चिकन की पकौड़ी तैयार हो गई है और बहुत बार फूट रही है। अगर आप लोग चिकन की पकौड़ी बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से लॉकडाउन जल्दी बड़ा वाला छन्ना को हम भी रखती है। हटो हटो हटो, भाभी ने कतला खिलाड़ी की तरह ये पकौड़ी निकाल ली है। चल हट चलो जाओ, चलो तुम्हारा काम है कि तुम बाहर जाके सब समेट लो और कालीन बिछाओ। चलिए मैं जा रही हूँ सब लगाने और दस्तरखान बिछाने, पास में मोटी लग गई, मैं मोटी होनी है। हो भी तो हो तो किसी का क्या जाता है, आप लोगों ने नानी का फोन। सो फ्रेंड्स ये बन गया है, ये देखिए हमारे गुलगुले, मटर और ये बनाना, ये पकौड़े, अच्छा चकली, और ये पकौड़े, अंडे के पकौड़े, ये लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन चिकन नगेट्स, और ये बिलाल के पकौड़े। हाय हाय उमर फेरी सारा काम कर, हाय हाय हाय, आई रप्पी फाइक, हाय करो फाइक फाइक। आजकल दाने की तबीयत ठीक नहीं, तो उन्हें कुछ खाने का मन नहीं था, तो उन्होंने फरमाइश की कि इनको बनाना और न्यूट्रेला चाहिए। तो मैंने ये इनको बनाना न्यूट्रेला बना के दिया है। कैसा है मम्मा को देखो, फिर फोन हम रख देंगे। कैसा है हाय फ्रेंड्स, तो अभी बन रहा है शामी कबाब, सैर अफ्तारी निपट गई है। और इस शामी कबाब की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए। इसकी मैंने शॉर्ट
रील बना के उसमें पूरी रेसिपी शामी कबाब आपके अपलोड करी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, आज मैं चली गई थी अम्मी और जजा सर मार्केट। तो आज भाभी ने हमारी पूरी अफ्तारी अकेले बनाई है, सब कुछ भाभी ने अकेले बनाया। भाभी को हम अवार्ड देंगे इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बहुत सारे घर में पहनने के लिए ऐसे डेली यूज वाले सूट लेके आई हूँ, वो मैं आपको अफ्तार के बाद बताऊँगी। अफ्तारी होने वाली है, 10-15 मिनट बचे हैं, चलिए अफ्तार करते हैं। देखिए भाभी भी लास्ट, बिल्कुल लास्ट प्रिपरेशन टिक्की बना रही है, आलू की टिक्की है। सारे बनाए पकौड़ी, समोसा, पकौड़ा, मटर, चना, ऐसे बहुत मिर्चा है। आपको कैसे पता है ना? हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं बहुत दो दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी सही से, तो मैंने थोड़ा थोड़ा तब भी बना दिया है। तो मैं डेट रमज़ान के 2, 3 और 4 रमज़ान सब ऐड कर दूंगी 3 दिन एक में। तो आज आई है शाइस्ता भी, डायरेक्ट स्कूल से आ गई थी। तो हम लोग इफ्तारी को ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा आपको इफ्तारी तो दिखाई दूँ अगर ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो आज माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कासिम भाई हैं हम फरहान के एक फ्रेंड, तो उन्होंने भी इफ्तारी भेजी है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। चलिए, तो पापड़ तो कंपलसरी है, और कासिम भाई के से अंगूर भी आए हैं, और फैसल भाई की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे भाभी ने बनाया है चिकन का खिचड़ा, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर डालूंगी। और ये है गुलगुले जो रोज़ बन रहे हैं आजकल, और ये मीठे वाले शक्के पाज है, और आज फिर भाभी पकौड़ी चल रही, ऐसा लग रहा है बम डिफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, आज एक्चुअली किचन में थोड़ा काम चल रहा था, उस वजह से भी ब्लॉग नहीं बन पाया। देख सकते किचन की हालत कितनी ख़राब हो रही है। और ये देखिए अंडे की पकौड़ी बन गई है, प्याज और आलू की पकौड़ी बन गई है, और पूरा किचन हिला हुआ है। और हाँ, और ये हमारा स्प्रिंग रोल बन गया है, शायद याद दिला दी मुझे, देखो ये रह गई। और ये पापड़ भी कासिम भाई के यहाँ से आए, तो ये रखे हुए हैं। और ये हमारा शरबत, और ये कासिम भाई के यहाँ से समोसे आए, तो ये देखिए ये समोसे। और भी कुछ बचा? और हाँ, ये काले वाले हमारे चने, गैस को इग्नोर करिए। हमारा सीजन का पहला मैंगो। तो शायद आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी आप कुछ कह रही थी? कुछ भाभी कह रही थी अगर मेरे मियाँ कहें कि रात में आसमान से तारे तोड़ लो, तो भाभी तारे तोड़ के ला सकती हैं भाभी? और नहीं तो क्या, और क्या, और नहीं तो क्या, बस मेरी चलती है। सांसें बंद होने के बाद भी तुमको रहना है बाप ऐसे में कंधे में बैठ के? नहीं। और पैटा केक से आइए चिकन पैटीज। फैसल भाई जा रहे हैं मुंबई परसों, तो वो सोच रहे हैं सब कुछ हम लोग को खिला पिला दें, क्योंकि हम लोग का जो बाहर जितना आता है ना, उसका डिपार्टमेंट ज़्यादातर फैसल भाई के हाथ में। तो ये देखिए ये आई हैं चिकन पैटीज भी। पानी नहीं मिलता है हमारे यहाँ, बस इसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी की थी, और ये व्लॉग यहीं तक एंड होता है। कैसे लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह हम लोग नए व्लॉग में मिलेंगे बहुत सारी अफ्तारी के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस आप लोग का ये व्लॉग देखने के लिए, और मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। और मैं इंशाल्लाह ऐसी अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।